नाहन के साथ लगती ग्राम पंचायत मातर के ग्राम भेड़ों में बनाए जा रहे सामुदायिक भवन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के स्थानीय लोगों की सुविधा के अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण न कर पंचायत के उप प्रधान की मनमर्जी से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने एतराज जताया है और संबंधित सामुदायिक भवन निर्माण कार्य को रोकने के लिए सिरमौर के DC सुमित खिमटा को शिकायत सौंपी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी उप प्रधान ये सामुदायिक भवन अपने घर के नजदीक अवैध रूप से बना रहा था, जिसको लेकर संबंधित विभाग ने कार्रवाई करते हुए इसको निलंबित कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर गांव भेड़ों में बनाए जा रहे सामुदायिक भवन लोगों की सुविधा के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। उप प्रधान अपने घर के नजदीक मनमर्जी से सरकारी पैसे से भवन का निर्माण करवा रहा है। सबको मिले यहाँ भेड़ों में ग्राम पंचायत मात्र में एक प्रधान जी के घर सामुदायिक भवन बन रहा और वो अवैध कुस्ते कार्य से बन रहा, पहले भी वहां पर वो सस्पेंड हुआ उस कार्य में और दोबारा गांव की बिना सहमति के बन रहा जनाब, उसके वास्ते ने सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर DC साहब से मिले हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि उसको तुरंत रोक के जाए और तुरंत कार्रवाई हो उसके ऊपर। वो प्रधान जी अपने घर में बना रहा है, इसमें गांव की कोई सहमति नहीं, और सरकारी जमीन पर जिस जमीन से वो पहले सस्पेंड किया गया उसी जमीन पर अपने घर में बना रहा है वो प्रधान जाकर। माना कि जहां गांव की सहमति हो, जहां सेंटर हो, सड़क हो, वहां बनना चाहिए और इसको तुरंत रोक के जाए, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत मात्र गांव के अंदर लियाकत प्रधान समुदाय अपने घर में बना रहा और जहां उसकी जरूरत थी वहां नहीं बन रहा और वहां जो भी झगड़ा फसाद होया उसका वो सस्पेंड भी होया उसी में अफारे के दर्जे पर वो लेकर उसने अपने घर बनाया रहा और जहां सहमति थी गांव की पूरे की वहां नहीं बन रहा, जरूरत वहां तीन जगह चार जगह एक जगह शुरू से शुरू वहां कोई सड़क नहीं कोई रोड नहीं जंगल